नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर पॉइंट पे। मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जो भी रेलवे एग्जाम की तैयारी करें, NTPC, RRC, ग्रुप डी, बैंकिंग, SSC की तैयारी करें, उन सभी के लिए सामान्य विज्ञान का पार्ट नंबर 64 लिख रहे हैं। आज के स्टेज के अंदर हमने टॉप 40 क्वेश्चन रखे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए और आगे भी पूछे जाने की पूरी 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 संभावना है। दोस्तों अगर आप लोग इनमें से 35 क्लियर कर लेते तो आप अपने एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर डेली वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ऑन करिए नोटिफिकेशन के लिए। और स्पीडी फ्रेंड वीडियो को लाइक करिए, आपके एक लाइक करने से ये वीडियो जो है काफ़ी बच्चों तक पहुँचती है, तो सभी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने एग्जाम की यहाँ पर तैयारी कर सकें। जी फ्रेंड्स, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। हमारे आंसर देने से आंसर देना है पहले आपको, ताकि आपको पता चल सके हमने राइट आंसर दिया है, रॉन्ग आंसर दिया है। और हमें लास्ट में कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखिएगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्यूपंचर डैश में अधिक प्रचलित है। एक्यूपंचर कहाँ पर अधिक प्रचलित है, कमेंट करके आंसर दीजिए। बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स कहाँ पर है, चीन के अंदर है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। एक्यूपंचर चीन में है। चीन में है फ्रेंड्स, एक्यूपंचर जो है एक सुइयों के माध्यम से उपचार करने की विधि होती है एक्यूपंचर, जो कि चीन के अंदर सबसे अधिक प्रचलित है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन देखिए, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है फ्रेंड्स, कमेंट करके आंसर दीजिए। जी बिल्कुल देखिए, किस में दिया जाता है, मेसल्स, मम्स, रूबेला में, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स का अर्थ क्या होता है, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट करके आंसर दीजिए क्या होती है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, जीवाणु की रोग जैसी संरचना को कहा जाता है, जीवाणु की रोग जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। चलिए देखिए, फ्लैजिला कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्लैजिला। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अमल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है, जीवाणुओं को कौन सा नाश करता है। चलिए देखिए, HCL करता है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, HCL। नेक्स्ट देखिए, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, किसकी कमी से होता है बताइएगा, हीमोफीलिया किसकी कमी से होता है, शरीर में रक्त नहीं जमता दोस्तों, हीमोफीलिया में जो है रक्त नहीं जमता, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्यूपंचर क्या है, हमने बता भी दिया था, एक्यूपंचर क्या होते हैं, सुइयों के माध्यम से उपचार करने की विधि होती है जो कि चीन के अंदर सबसे अधिक प्रचलित है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिफ्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है, डिफ्थीरिया रोग में कौन सा अंग ग्रस्त होता है। चलिए देखिए, बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स, कौन सा, गला प्रभावित होता है डिफ्थीरिया के अंदर, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, गला। अगला देखिए, मलेरिया रोग प्रभावित करता है, किसको करता है बताइएगा, मलेरिया रोग प्रभावित किसको करता है, पलिहा को करता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, मलेरिया रोग प्रभावित करता है पलिहा को। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स में डी का क्या तात्पर्य, एड्स में डी का तात्पर्य क्या होता है, बिल्कुल देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, डिफिशियंसी होता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, डिफिशियंसी। नेक्स्ट देखिए, चलिए देखिएगा फ्रेंड्स, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, किसके द्वारा, जी बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स, जी रमफोर्ड के द्वारा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, रमफोर्ड। नेक्स्ट देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, बताइएगा फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर जो है पिघला दिया था, कौन सा था। जी बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स, कौन सा, डेवी, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, डेवी के द्वारा बर्फ के दो टुकड़ों को पिघलाकर आपस में घिसकर पिघला दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, ताप का SI मात्रक क्या है, ताप का SI मात्रक क्या होते हैं, बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स क्या होते हैं, केल्विन होते हैं, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, केल्विन। जी फ्रेंड्स, क्वेश्चन अच्छे लगते हो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस तक हो जाने पर भी गर्मियों में रहस्य जो महसूस कैसे करता है, बताइएगा कैसे करता है। बिल्कुल फ्रेंड्स देखिए,
अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर जो है वह करने में राहत महसूस करता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? बर्फ पर दाब बढ़ाने से गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विकिरणों पायरोमीटर से कितना तापक्रम को नापा जा सकता है? बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स कितने जी, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को विकिरण पायरोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, थर्मोकपल ताप युग्मक द्वारा बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? कमेंट करके आंसर दीजिए फ्रेंड्स। बिल्कुल देखिए, क्या दो एसिडिस धातुओं को बनाया जाता है? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, दो एसिडिस धातुओं को बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य का ताप मापा जाता है, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? कमेंट करिए फ्रेंड्स, किसके द्वारा? पायरोमीट्री तापमापी के द्वारा, पायरोमीट्री तापमापी के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों मापक्रम में एक समान होता है? तेई कौन सी बोलता है? -40 डिग्री पर फारेनहाइट और जो सेल्सियस जो है इक्वल होते हैं, ठीक है ना। फारेनहाइट और सेल्सियस जो है -40 डिग्री पर इक्वल होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, न्यूनतम संभवतः ताप है, संभवतः ताप कितना है न्यूनतम, बताइएगा फ्रेंड्स कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सामान्य ताप पर 98.4 डिग्री फारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में क्या होगा फ्रेंड्स, क्या होगा? बिल्कुल देखिए 36.89 होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उदकपातन पदार्थ है, सब्लिमेट क्या होता है बताइएगा फ्रेंड्स, कौन सा होते हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा, कपूर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड जो है सभी जो है उदकपातन है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सब्लिमेट है सभी की सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणित होता है क्या कहलाता है, बताइएगा क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, गलनांक। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है, बताइएगा जी। बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स क्या कहलाते हैं? क्वथनांक कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्वथनांक। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कमेंट करके आंसर दीजिए फ्रेंड्स, क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल देखिए घट जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, घट जाता है। नेक्स्ट देखिए, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं, क्या होते हैं? निम्न होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, निम्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? कमेंट करके आंसर दीजिए, क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, वाष्पन। नेक्स्ट देखिए, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा जी, क्या कहते हैं? चलिए देखिए, गलन कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, गलन। अगला क्वेश्चन देखिए, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा, क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल बढ़ेगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, जैसे जैसे दाब बढ़ेगी द्रव का क्वथनांक भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपसरणों को मिलाने से उनका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपसरणों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए देखिए, घटता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, फिर घटता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ की चोटियों पर आलुओं को पकाने में अधिक समय लगता है, क्यों लगता है फ्रेंड्स? चलिए देखिएगा क्यों लगता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है पहाड़ की चोटियों पर। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तेज हवा वाले यात्री में ओस नहीं बनती, इसका कारण क्या होता है फ्रेंड्स, बताइएगा कमेंट करके, क्यों नहीं बन पाती? चलिए देखिए फ्रेंड्स, वाष्पीकरण की दर जो है तेज हो जाती है, इसी वजह से तेज हवा वाले यात्री में ओस नहीं बन पाती। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प की बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? उदकपातन कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित सिलवृत्ति के कारण, किस कारण से,
देखिएगा किसके कारण से, वाष्पीकरण के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपकते हैं फ्रेंड्स, कमेंट करके आंसर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का आंसर होना चाहिए, क्यों चिपकते हैं। चलिए देखिए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, क्या होगा फ्रेंड्स गलनांक। चलिए देखिए, गलनांक जो है घट जाता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा, क्या होगा फ्रेंड्स। चलिए देखिएगा, अपवर्तित रहता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, अपवर्तित रहता है। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा, कमेंट करके आंसर दीजिए, किसके द्वारा, माइक्रोफोन के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माइक्रोफोन। नेक्स्ट देखिए, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, किसे मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, तापमान के लिए किया जाता है बोलोमीटर का प्रयोग। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं, किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग इनमें से 35 क्लियर कर लेते हैं तो आप मान के चलिए आप अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।